मेरे प्रिय सज्जनों, मुझे जो जन चर्चा के द्वारा माणोगढ़ की लड़ाई का इतिहास जो मिला है, उसी के आधार पर आपके सामने माणोगढ़ की लड़ाई का प्रस्तुतिकरण देने जा रही हूँ। अगर इसमें कोई त्रुटियाँ हों तो क्षमा करने की कृपा करें। और कन्हैया कैसेट के माध्यम से शीलू सिंह राजपूत एवं साथियों द्वारा श्रवण कीजिएगा आला गायन। और सज्जनों, ध्यान रखिएगा, माणोगढ़ की लड़ाई में माणो का राजा जम्बे का बेटा जो करिंगा है, और वो गंगा की परवी में दशहरे में मेला देखने के लिए जब आता है तो राजा परमाल का किला देखकर उसने अचानक हमला कर दिया। राजा परमाल का किला बचाने के लिए राजा परमाल ने देशराज और बच्चराज को भेजा, जो कि आला उदल मलखान के पिता हैं, और उन्होंने डटकर करिंगा का मुकाबला किया। लेकिन सज्जनों, धोखे से करिंगा ने देशराज और बच्चराज के दंड बंधवा लिए और माणोगढ़ ले जा करके उनके सर कटवा करके बरगद के पेड़ में उनके सर को टांग दिया। और इधर उस समय उदल अपनी माँ के गर्भ में था। सज्जनों, ध्यान दीजिएगा, और जब उदल का जन्म हुआ, धीरे धीरे जब उदल बड़े हुए तब क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, सर्वप्रथम देवी वंदना, उसके पश्चात आला गायन कि आवो देवी शारदे माँ तुम्हें पुकारूं।
रानी मल्ला ने कहा कि उदल तुम्हें क्या हो गया है? नाम न लीजे तुम जंगल का, इतना मानव कहा हमार, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम और चौदिस दुश्मन पर दिखाए जोरी गदुरिया उदल बोले माता मानव कहा हमार, बड़ी लाल सामर जी रामा जंगल ख्याल जाब शिकार। तब क्या होता है सज्जनों, ध्यान दीजिएगा, रानी मल्ला क्या कहती है कि यार बोले मलना बघऊदलते बेटा सुनाओ we
उदल ने जब उस हिरना को देखा तो उसका पीछा करते हैं, तब लेखक क्या लिखता है कि यार का गति बरनो भगवूदल का बन नांग।
बनिहारिन ने जवाब दिया और उधर से कहा कि सुनो कौन द्यास के तुम रहवैया अकुंवटा करो मजा के आए और जाय बतैबे हम राजा ते तो तुम्हारे दंड लिहि बंधवाए इतना सुनते परले होइगा और भवका सिंह मोहे बेक्यार और धरि ललकारे पनिहारिन का हे पनिहारिन बोलो सुनो मैं कौन हूँ कहाँ कहूँ क्या नाम है क्या काम है किस तरह से परिचय बता रहा है पनिहारिन से उदल कहता है सुनो कि यार नगर महोबाती है जहाँ पार भैया हम
का आभाया समान गोहराए हुआ न जावो हुआ न जावो ओ माहिल के राज कुमार हुआ दुलरुआ दयावली वाला और ना हरु हवे महो बेक्यार और मारे जई हो तुम बगियन मा तब तुम करी हो कौनु उपाय तुम ना जाओ या बगियन का इतना मानव कहा हमार बात न माने वही या भाके या भई कूच दीन करवाए तो क्या होता है ध्यान दीजिएगा कि यार जौन जगह पे बघऊ दल है